नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉल्यूम में। दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से एक रिक्रूटमेंट था जो आप लोगों का ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए था, जो 2019 में यानी 31/1/2019 को रिक्रूटमेंट निकाला गया था बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्तियों के लिए। इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, वेबसाइट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोगों के दो रिजल्ट आए हैं, एक तो 8 मई को और एक 11 मई को, दो रिजल्ट अपडेट किए गए हैं। इस कारण से मैं आप लोगों को दोनों वीडियो एक साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। बीएसएफ की आप लोगों को ट्रेड्समैन की भर्ती थी जिसके लिए फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि लॉकडाउन के अंदर रिजल्ट घोषित नहीं होगा, उनको देखिए उनके मुँह पर ताला लग चुका है, अब रिजल्ट घोषित हो चुका है। मैं आप लोगों से पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि प्रक्रिया चालू है सभी भर्तियों की, तो आप लोगों को सिर्फ पेशेंस रखना है। आप लोगों का रीमेडिकल होगा, एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट्स हैं और ज़्यादातर जो जीडी के एस्पिरेंट्स हैं वो बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी पेपर दिए हुए हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं मेरे, तो दोनों को मैं एक बात बता दूँ कि आप लोग का एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा पैनिक ना हो, आप लोगों का रिजल्ट भी घोषित होगा। आप लोग का एक बार रीमेडिकल तो होने दीजिए पहले, और उसके बाद ही तो रिजल्ट बनाएगी ना बीएसएफ और सीआरपीएफ, तो उससे पहले ही आप लोग पैनिक हो जाते हैं कि क्या क्या कट ऑफ जाएगी, तो ये तो गलत है ना। फाइनल रिजल्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द वेरियस ट्रेड्स पोस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात ट्रेडर का रिजल्ट है, यहाँ आप लोग के सभी के कैंडिडेट के रिजल्ट नाम दिए गए हैं। जो ये कारपेंटर की और टेलर की और कॉबलर की वैकेंसी थी, इसमें तो कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, वो जो है कवर नहीं कर पाए इस कारण से। लेकिन जो कुक के लिए पोस्ट होती है, इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई हुआ है। और वहीं वाटर कैरियर, कुक, ये दो पोस्टें होती हैं, इसमें ज़्यादातर आप लोग कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। और जो आप लोग की पोस्ट होती हैं, वॉशरमैन की हुई, बारबर की हुई या स्वीपर की हुई, इसके लिए कॉम्पिटिशन कम देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन कुक के लिए और वाटर कैरियर के लिए देखने को मिलता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में ही बाहर होते हैं। ये आप लोग देखिए, ये आप लोग का महाराष्ट्र कैडर का है, तो महाराष्ट्र कैडर का भी आप लोग रिजल्ट देख लीजिए, इस तरीके से रिजल्ट है। यहाँ पर कॉबलर में और टेलर में और सभी में क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट, लेकिन जितनी वैकेंसी थी हुई उतने कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये दो वैकेंसी ऐसी हैं, मैक्सिमम ट्रेड्समैन में जितनी वैकेंसी हैं इसमें से टेलर कॉबलर की जो वैकेंसी हैं ये खाली ही चली जाती हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट मिल ही नहीं पाते हैं, और जो मिलते हैं वो पासिंग मार्क्स पे नहीं हो पाते, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप लोगों का सभी का रिजल्ट जारी किया गया है, बहुत जल्द इनकी जो है ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है बीएसएफ की तरफ से। कोई ट्रेनिंग कैलेंडर जरूर जारी नहीं किया गया है बीएसएफ की तरफ से, कोई ट्रेनिंग कैलेंडर जारी होता तो अच्छा होता, उसमें एसएससी जीडी के रिगार्डिंग भी अपडेट होती। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सभी का, देखिए मैं आप लोगों को एसएसबी का और सीआईएसएफ का तो ट्रेनिंग कैलेंडर शो करा चुका हूँ, बाकी का ट्रेनिंग कैलेंडर के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमें ट्रेनिंग कैलेंडर मिलेगा आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पर तो जो आप लोगों का महाराष्ट्र कैडर है, यहाँ पर तो स्वीपर के लिए भी कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, स्वीपर, वेटर, कुक, माफ़ कीजिएगा सॉरी गोवा कैडर है, तो गोवा कैडर के अंदर यहाँ तो ये इतने कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाए। यहाँ पर तो काफ़ी कम कंपटीशन, एसएससी जीडी में भी यहाँ पर काफ़ी कम कंपटीशन देखने को मिलता है इस कारण से। नेक्स्ट जो रिजल्ट था, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है वो वेस्ट बंगाल कैडर के लिए, वेस्ट बंगाल का पोस्ट ऑफ दी, और यहाँ पर देखिए ट्रेड्समैन की भर्ती थी। बिहार में बात करते हैं तो आप लोगों का वॉशरमैन के लिए कॉन्स्टेबल वॉशरमैन, यहाँ कॉन्स्टेबल कुक, ये सभी 1700 ग्रेड पे की वैकेंसी होती हैं। ट्रेड्समैन की जो भर्ती हैं, कुछों को ट्रेड पसंद आती है, ट्रेड की भर्ती अगर देखा जाए कंफर्ट के मामले में तो जीडी से जो है कंफर्ट ज़्यादा होता है ट्रेड के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट की जो लास्ट सिग्नेचर देख सकते हैं आप लोग 11/5/2020 यानी 11 मई की सिग्नेचर किए हुए हैं रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ लीजिए, सबसे पहले दिया हुआ मेरिट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की बनाई गई है वो हायर स्कोर कैंडिडेट की कोई सबसे पहले उनको प्रायिकता दी गई है, तो इस तरीके से मेरिट जो है क्रिएट की गई है। और जो जो एक्सपेक्टेशन है वो देख लीजिए, जो कैंडिडेट विद ओल्डर एज प्लेस हायर इन मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर एज का फ़र्क अगर किसी का देखिए एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो सबसे पहले जो है एज कैटेगरी को देखा जाता है, एज कैटेगरी जिसकी ज़्यादा होती है उसको प्रायिकता दी जाती है। नंबर टू होती है कि अगर किसी का सेम बर्थ है और सेम डेट ऑफ बर्थ होती है तो फिर अल्फाबेटिकली, यानी अगर किसी का नाम सुनील है और किसी का नाम अमित है तो अमित को पहले जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी, सुनील को बाद में, तो अल्फाबेटिकली उसके बाद दिया जाता है। और डेट ऑफ बर्थ सेम पाती है तो ये तो काफ़ी कम चांसेस में मिलता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पर ही मोस्टली कैंडिडेटों का सिलेक्शन ले लिया जाता है। सेम नंबर तो बहुत सारों को मिलते हैं, सिर्फ आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ होती है वही आप लोगों की चला, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम पाई जाती है तो जाकर जो है नेक्स्ट प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो ये सब प्रोसेस होते हैं रिजल्ट क्रिएट करने के, रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है।
जैसे ही आप लोगों का लॉकडाउन हटता है, आज आप लोगों का लॉकडाउन का फैसला भी हो जाएगा, देखते हैं क्या फैसला आता है लॉकडाउन का। जो भी फैसला आता है लॉकडाउन का, उसके बाद आप लोगों का फाइनली आप लोगों का RME कब होगा, DME कब होगा, एडिशनल वालों का, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एक और PDF थी BSF छत्तीसगढ़ वालों के लिए, वो भी देख लीजिए। तो ये BSF छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, इसका भी 11 मई को आप लोगों का रिजल्ट घोषित किया गया है। ट्रेड्समैन की पोस्ट है, तो ये छत्तीसगढ़ कैटर है। यहाँ पर देखिए कॉबलर की जो पोस्ट है ये खाली गई, यहाँ पर एक पोस्ट क्वालिफाई हुआ है ST का कैंडिडेट, बाकी पोस्ट खाली चली गई है। टेलर का देखिए यहाँ पर भी जो है दो पोस्ट थी और एक ही कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर पाया, दूसरा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। यहाँ पर 11 पोस्ट थी आप लोग कुक के लिए, सभी फुल हैं। 8 पोस्ट थी आप लोग का वाटर कैटेगरी के लिए, यहाँ पर भी आप लोग 5 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए और बाकी कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप लोग वॉशरमैन के लिए, बारबर के लिए, स्वीपर के लिए, तो ये सभी रिजल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सभी क्वालिफाई कैंडिडेट के नाम सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है और रोल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो इससे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम आप लोगों को बताई गई है किस तरीके से मेरिट क्रिएट की गई है। और आप लोग इनकी जो BSF का कैलेंडर है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है, बहुत जल्द BSF का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। और जब इनके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे उसमें मैं आप लोगों को डेट बता दूंगा कि क्या डेट रखी गई है ज्वाइनिंग की, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देता रहूँगा। BSF से रिगार्डिंग, CAPF से रिगार्डिंग, SSC GT कॉन्स्टेबल से रिगार्डिंग, जितनी भी फोर्स हैं जिनके भी रिजल्ट चले हुए हैं, सभी की आप लोगों को अपडेट हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी तो आप लोगों को बता दूं SSC GT कॉन्स्टेबल का जो आप लोग का डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन होना है एडिशनल कैंडिडेट का, और रिमेडिकल यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होना है आप लोग के जो पर्टिकुलर कैंडिडेट बच गए हैं उनका। 42 ईयर कैंडिडेट हैं लगभग जिनका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। अभी इसमें देखिए मिनिमम 2 मंथ आप लोग के मेडिकल में बीत जाएंगे, क्योंकि आप लोग का वन एंड हाफ मंथ तो आप लोग का री मेडिकल के अंदर, उसके बाद आप लोग का एडिशनल वालों का री मेडिकल होना है, वो तो आप लोग का 1 से 2 दिन में कवर हो लेगा, और फिर आप लोग का DME कवर होना है आप लोग का जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उन कैंडिडेट का। तो ये सभी प्रोसेस यहाँ पर होने वाले हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट के जो है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो होना है उसके लिए अपील जो है एक्सेप्ट नहीं की गई है, रिजेक्ट कर दी गई है उनकी अपील। तो उनसे एक ही अनुरोध है, ज़रा पेशेंस बनाए रखें। आप लोग अपील के लिए फाइल कर सकते हैं, केस कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, किसी माध्यम से अपील के लिए एक और अपील फाइल कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास है अधिकार है आप लोग फाइल करने का, तो आप लोग अधिकार को यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी प्रोसेस के कारण, जैसे वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं किया है या सिग्नेचर करना भूल गए हैं, तो ये सब आपकी गलती है। इसमें कोई SSC GD या फिर आप लोगों का CAPF कोई फोर्स आप लोगों की मदद नहीं कर सकती, वो क्लियरली मेंशन कर देंगे किस कारण से आप लोग अपील एक्सेप्ट नहीं की गई है। अगर आप लोग कोई डाउट होता है कि आप लोग अपील क्यों नहीं एक्सेप्ट नहीं की गई है, तो आप RTI के माध्यम से या किसी माध्यम से पूछ सकते हैं, वो आप लोगों का हक है और आप लोगों का पूछना भी चाहिए। आप लोग इतनी मुश्किल से इस पायदान तक पहुँचे हैं, SSC GD के इस प्रोसेस तक पहुँचे हैं, अब आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोगों को ही कदम उठाना होगा। आप लोगों का अपना स्वयं का कदम है किस तरीके से उठा सकते हैं आप लोग, क्योंकि पिछली बार की भर्तियों में बहुत सारे कैंडिडेट को अनक्वालिफाई हो पाए हैं इस तरीके से, यहाँ तक कि CPO के असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए भी अपील एक्सेप्ट नहीं होती और रिजेक्शन मिल जाता है। तो ये तो वो तो काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है उनके, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए कितना मुश्किल से कोई कैंडिडेट असिस्टेंट कमांडेंट के फाइनल मेडिकल तक पहुँचता है और उसकी अपील एक्सेप्ट नहीं होती है। तो ये तो लगभग चलता आया है आप लोगों की CAPF की पोस्टों में, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है या फिर आप लोगों के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ होता रहा है। ये पर्टिकुलरली ज़्यादातर कमेंट इसी बेसिस पर आते थे मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत इस बारे में भी आप लोगों को जागरूक कर दूँ। और जो आप लोग का रिजल्ट यानी डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन जिन कैंडिडेट का हो चुका है, वो अपने और फर्दर स्टडीज़ में लगे रहिए, तो ये आप लोग का टाइम है अभी पढ़ने का। SSC GD की आप लोग कांस्टेबल की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेकिन देखिए जब आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ और कोई तैयारी कर लेते, तो वो समय आप लोग अभी यूज कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का जब भी आप लोग का आएगा फाइनल रिजल्ट, वो आप लोगों को पता है और आप लोग के आपके मार्क्स पता है, कितना आप लोग का चांस का जो है परसेंटेज है वो भी आप लोगों को ही पता होगा, क्योंकि आप लोग स्वयं गए हैं मेडिकल देने के लिए, आप लोगों को पता है कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन बचा हुआ है। मैं तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट या एब्सेंस बता सकता हूँ कितनी आप लोगों की कट ऑफ बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ।
7 से 8 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी वो, जिसमें आप लोगों को कम्प्लीटली इसके बारे में ही मैंने आप लोगों को डिटेल्स दी थी, किस तरीके से रिजल्ट बढ़ेगा, किस तरीके से रिजल्ट क्रिएट होगा, अपील किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से अपील एक्सेप्ट नहीं होती है, रिजेक्ट होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आएगी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, कोई भी सीएपीएफ फोर्स के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।